सो गैस, यदि आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पर फेक फॉलोअर्स है, आपने खुद फेक फॉलोअर्स इंक्रीज किया है, या फिर आपके अकाउंट पर किसी और ने फेक फॉलोअर्स इंक्रीज कर दिया है, अब ऐसे में आपके साथ सीन हो क्या रहा है? आपके अकाउंट पर रील्स वीडियो वायरल नहीं हो रहा है। ऑब्वियसली अगर आपके अकाउंट पर फेक फॉलोअर्स है तो आपकी रील्स वीडियो वायरल नहीं होगा। आपके साथ ये सीन होगा यदि मैं एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूँ, आपके अकाउंट पर 10,000 फॉलोअर्स है, आपने खुद अपने अकाउंट पर फेक 10,000 फॉलोअर्स इंक्रीज कर दिया किसी भी वेबसाइट एप्स के माध्यम से, चाहे आपने पेड फॉलोअर्स इंक्रीज किया है किसी को पैसे देकर, बट वो भी फेक फॉलोअर्स होता है। अगर आप पैसे देकर भी फॉलोअर्स लेते हो और वो प्रूव करता है कि ये रियल फॉलोअर्स है, दरअसल वो सब फेक फॉलोअर्स होते हैं, रियल फॉलोअर्स नहीं होते, ये आपकी गलत फहमी है। या फिर आपने किसी एप्स या वेबसाइट के थ्रू फेक फॉलोअर्स फ्री में ही इंक्रीज कर लिया, या फिर आपने खुद नहीं किया, किसी और ने आपके अकाउंट को फ्रीज करने के लिए फेक फॉलोअर्स इंक्रीज कर दिया। अब यहाँ पर आपने एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपने अपने अकाउंट पर 10,000 फेक फॉलोअर्स इंक्रीज कर लिया। अब यहाँ पर आपके अकाउंट पर 10,000 फॉलोअर्स है, यहीं पर मैं आपके कंपेयर में सेकंड अकाउंट लेता हूं जिस पर 10,000 फॉलोअर्स रियल है। अब इन दोनों अकाउंट पर मैं रील्स वीडियो पोस्ट करूंगा, जैसे ही मैं इन दोनों अकाउंट पर रील्स वीडियो पोस्ट करूंगा तो आपके अकाउंट पर तो 10,000 फॉलोअर्स फेंक है, आपकी रील्स वीडियो पर व्यूज नहीं आएगा। जो व्यूज़ इंस्टाग्राम एल्गोरिथम की तरफ से आएगा, रील्स पेज से, एक्सप्लोर पेज से, फीड सेक्शन से, ठीक है, यहाँ यहाँ से आपकी रील्स वीडियो पर व्यूज़ आएगा। अब वो कितना आएगा, 200, 300, वो आपके अकाउंट पर डिपेंड करेगा, आपके कंटेंट में दम है। आपके फॉलोअर्स की तरफ से आपको एक भी व्यूज़ नहीं मिलेगा, बिकॉज़ आपके सभी फॉलोअर्स बॉट है। अब यहाँ पर मैंने रियल अकाउंट जिस पर 10,000 फॉलोअर्स है, एकदम रियल, अब जैसे ही ये पर्सन रील्स को पोस्ट करेगा तो सबसे पहले आपकी वीडियो कहाँ पड़ जाती है, आपके फॉलोअर्स के पास। आपके फॉलोअर्स के ऊपर डिपेंड करता है आपकी रील्स वीडियो वायरल करवाना। अब इस भाई के 10,000 फॉलोअर्स रियल है तो होगा क्या, जैसे ही ये रील्स वीडियो पोस्ट करेगा तो इसके फॉलोअर्स एकदम से इसकी रील्स वीडियो को देखेंगे एंड लाइक भी करेंगे, कॉमेंट भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। ऐसे में क्या होगा, इसके 10,000 फॉलोअर्स एक्टिव है एंड रियल है तो एकदम से इसकी वीडियो पर 1,000 प्लस व्यूज चला जाएगा, आपकी वीडियो पर नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या डिफरेंस लगेगा, आपके अकाउंट पर फेक फॉलोअर्स है, आपके अकाउंट पर रील्स वीडियो वायरल नहीं होगा, इस अकाउंट पर एक्टिव फॉलोअर्स है, रियल फॉलोअर्स है 10,000, इसके अकाउंट पर हर एक रील्स वीडियो वायरल होने के चांस रहेंगे। अब बात आती है फॉलोअर्स को लेकर, देखो इस भाई के तो रियल फॉलोअर्स है, इसको टेंशन नहीं है, इसके अकाउंट पर रील्स वीडियो वायरल होगा। अब आपके अकाउंट पर फेक फॉलोअर्स है, आपको टेंशन है, आपको ये फेक फॉलोअर्स रिमूव कैसे करने हैं, कैसे आपको पता चलेगा कि ये फॉलोअर्स रियल है या फेक है, कौन सा फॉलोअर्स आपको रिमूव करना चाहिए या कौन सा आपको अपने अकाउंट पर रिमूव ना करना चाहिए, मैं यहां पर ये वीडियो बहुत ज्यादा डिटेल्स के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा। गाइज यहाँ पर देखो, इस वीडियो में जो भी होगा सब कुछ बहुत ज्यादा डिटेल्स के साथ होगा, ताकि आपका एक भी रियल फॉलोअर्स रिमूव ना हो जाए। आप लोगों को काफी सारे लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन सजेस्ट कर देते हैं, अब उन एप्लीकेशन का एल्गोरिथम इतना अच्छा नहीं होता, वो क्या करते हैं, आपके अकाउंट पर जो रियल फॉलोअर्स होते हैं उनको भी रिमूव कर देते हैं एंड जो फेक फॉलोअर्स होते हैं उनको भी रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको डबल लॉस हो जाता है, तो यहाँ पर आपका मैं लॉस होने नहीं दूंगा, यहाँ पर मैं आपको कोई भी एप्लीकेशन सजेस्ट नहीं करूँगा जिससे कि आप लोगों का नुकसान हो, मैं ऐसी ट्रिक बताऊँगा आपको जिससे कि आपको फ़ायदा ही होगा। सिंपली आपको अपनी आईडी पर विजिट करना है। अब यहाँ पर गए, सिंपली आपको फॉलोअर्स लिस्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर देखो, जो आपके एक्टिव फॉलोअर्स होते हैं, रियल फॉलोअर्स होते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हो ऊपर जितने भी फॉलोअर्स हैं वो सब मेरे एक्टिव रियल फॉलोअर्स हैं। यहाँ पर इनकी अकाउंट पर स्टोरी भी लगा हुआ है, आप खुद यहाँ पर देख सकते हो। तो गाइज यहाँ पर आपको सबसे नीचे जाना है, ठीक है, यहाँ पर आपको सबसे नीचे चले जाना है, मैं सबसे नीचे चले जाता हूँ। आपको एक बात याद रखनी है, जब आप किसी वेबसाइट ऐप के थ्रू फॉलोअर्स इंक्रीज कर दो तो वहाँ पर फॉलोअर्स लिमिट होती है लिस्ट में, कि आप ये वाला पैक लोगे तो इसमें आपको
100 फॉलोअर्स मिलेंगे, 1000 फॉलोअर्स मिलेंगे, या फिर कोई और पर्सन आपके अकाउंट पर फॉलोअर्स फेंक इंक्रीज कर रहा है, मतलब आपके अकाउंट पर अभी 1000 फॉलोअर्स है और 9000 फॉलोअर्स आपके अकाउंट पर कोई सेकंड पर्सन फेंक इंक्रीज कर रहा है। तो ऐसे में जब आप जौन सा पैक सेलेक्ट करते हो, फ्री वाला, पैसे वाला, तो उसमें फॉलोअर्स की लिस्ट होती है, तो एकदम से वे फॉलोअर्स मी से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, जहां तक आपके रियल फॉलोअर्स थे आपको पता है। अब यहां पर गाइस मेरे जितने भी ऊपर फॉलोअर्स आ रहे हैं, ये सब मेरे रियल फॉलोअर्स है। मैंने आज तक अपने अकाउंट पर एक भी फेक फॉलोअर्स इंक्रीज नहीं किया, बट मेरे अकाउंट पर भी आज बहुत सारे बॉट फॉलोअर्स है जो कि इनएक्टिव है, समझ लो फेक फॉलोअर्स है, उनको मुझे रिमूव करने हैं। गाइज मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिससे कि आपका बेनिफिट हो, आपके अकाउंट अनफ्रीज हो जाए, आपको कोई नुकसान ना होए। मैं आपको वो तरीका नहीं बताऊंगा जिससे कि आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो जाए, आपके अकाउंट पर कम्युनिटी गाइडलाइंस लग जाए, आपके अकाउंट पर से रियल फॉलोअर्स भी रिमूव हो जाए और आपका अकाउंट अभी तो 50% फ्रीज जाए, 100% फ्रीज हो जाए, आपको परमानेंटली उसको डिलीट ही करना पड़ जाए। ऐसी ट्रिक मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो सिंपली गाइस आपको सबसे नीचे चले जाना है। अब मैं यहाँ पर नीचे की ओर आ रहा हूँ। देखो सबसे पहली जो फेक अकाउंट की पहचान होती है वो ये होती है, उस पर डीपी लगी हुई नहीं होती। एक पहचान बता रहा हूँ मैं, अभी बहुत सारी पहचान बताऊंगा। तो इस अकाउंट पर डीपी लगी हुई नहीं है। अब इस अकाउंट पर मैं विजिट किया हूँ, यहाँ पर आप देख लो इस अकाउंट पर कोई भी एक्टिविटी नहीं है, कोई भी पोस्ट नहीं है, फॉलोअर्स 14 है एंड यहाँ पर फॉलोइंग लिस्ट देखोगे 110 है, यानी फॉलोअर्स से ज़्यादा इस अकाउंट पर फॉलोइंग है। अभी मैं मैसेज बॉक्स में जाता हूँ, क्या मुझे कोई मैसेज आया है? नहीं आया है। इसका मतलब ये अकाउंट पूरी तरीके से बॉट है। इस अकाउंट की वजह से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फ्रीज हो रहा है, तो मैं बैक करूंगा यहां से, इस फॉलोअर्स को यहां से ऐसे रिमूव कर दूंगा। अब गाइज सबसे पहले बात समझो, मैं और काफ़ी सारी ट्रिक बताऊंगा। गाइज आपको एक दिन के अंदर आपके कितने भी फॉलोअर्स है, आप जब अपने अकाउंट पर से फॉलोअर्स रिमूव करते हो, आपको एक दिन के अंदर सारे फॉलोअर्स रिमूव नहीं करने हैं, आपको अपना एक शेड्यूल सेट कर लेना है कि मुझे डेली 50 फॉलोअर्स रिमूव करने हैं, 100 फॉलोअर्स रिमूव करने हैं, 100 से ज़्यादा आप 24 आवर्स के अंदर ना करें। अगर आप अपने अकाउंट पर 100 फॉलोअर्स से ज़्यादा 24 आवर्स के अंदर रिमूव कर रहे हो, 200, 300, 400, तो ऐसे में आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है, आपके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया जा सकता है या कम्युनिटी गाइडलाइंस आपके अकाउंट पर इंस्टाग्राम लगा देगा। तो 100 से ज़्यादा फॉलोअर्स आप रिमूव ना करें, आपके अकाउंट को बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने फर्स्ट पहचान तो आपको ये बताई है, अभी यहाँ पर गाइस मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स एक्टिव भी है, ऐसी बात नहीं। अब मैं आपको सेकेंड पहचान बताता हूँ, मैं किसी भी अकाउंट पर विजिट करता हूँ, एक पहचान तो आपको ये पता चलेगी, जिस अकाउंट पर डीपी नहीं होती उस अकाउंट पर विजिट करो कोई एक्टिविटी नहीं है तो समझ लो फॉलोइंग अगर ज्यादा हो रखी है, फॉलोअर्स कम है तो अकाउंट बॉट है। अभी यहां पर जो सेकंड पहचान है, आपको किसी भी अकाउंट पर क्लिक करना है। अब यहां पर मैं इस अकाउंट पर क्लिक करता हूं, इस पर डीपी लगा हुआ है। अब आपको यह देखना है कि इस अकाउंट पर एक्टिविटी कब हुआ था। मैं यहां पर फर्स्ट पर क्लिक करता हूं। अब यहां पर आप खुद देख लो 28 जुलाई 2021 में लास्ट एक्टिविटी है, लास्ट पोस्ट है। इसका मतलब ये अकाउंट पूरी तरीके से फेक है। इस अकाउंट को जब क्रिएट किया गया था, फेक तरीके से किया गया था ताकि लोगों का गलत फ़ायदा उठाया जा सके। अब ये अकाउंट इंस्टाग्राम पर अवेलेबल नहीं है, ये अकाउंट फ्रीज है। तो फ़ायदा यही है कि इस फॉलोअर्स को आप हटा दीजिए, इसकी वजह से आपका अकाउंट फ्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से अपने अकाउंट पर से फेक फॉलोअर्स हटाने हैं। डेली कितने हटाने हैं? 100 या 50। आपको बस 10 मिनट अपने अकाउंट पर डेली देना है फॉलोअर्स लिस्ट में। इससे क्या होगा, आपके अकाउंट पर जितने भी बॉट फॉलोअर्स है वो सब हट जाएंगे। ये भी बॉट फॉलोअर्स है, मैं इसको रिमूव कर दिया हूँ। तो गाइस ये कुछ पहचान है। पहला, उस आईडी का जो यूज़र नेम है, जो फेक फॉलोअर्स होते हैं उसका यूज़र नेम उल्टा सीधा लिखा हुआ होगा, या तो अंग्रेज हो गए वे, ठीक है। अगर आपको किसी अंग्रेज ने फॉलो कर रखा है, ठीक है, किसी इंग्लिश में नेम लिखा हुआ है, तो समझ लो आप इंडिया में रहने वाले हैं, तो आपको कोई अंग्रेज फॉलो क्यों करेगा,
उस अकाउंट पर विजिट करो और देखो कि इसकी लास्ट एक्टिविटी क्या है, फॉलोइंग लिस्ट में फॉलोअर्स कितने हैं एंड फॉलोअर्स कितने हैं, फॉलोइंग कितने हैं, दोनों की लिस्ट चेक करो। अगर फॉलोइंग ज़्यादा जा रखा है, फॉलोअर्स कम है, प्लस डीपी भी नहीं लग रहा, या फिर जो नेम लिखा हुआ है वो उल्टा सीधा लिखा हुआ है, या फिर आप लोगों ने देखा होगा सेक्सुअल कॉन्टेंट के काफ़ी सारे अकाउंट होते हैं, बॉट अकाउंट होते हैं, वो आपको फॉलो कर देते हैं, तो ये सब बॉट अकाउंट होते हैं। एंड लास्ट एक्टिविटी देखो कि इस अकाउंट पर लास्ट पोस्ट या रील्स वीडियो, लास्ट जो एक्टिविटी है चाहे वो रील्स वीडियो या पोस्ट हो, वो कब की गई थी। अगर 3 मंथ से ज़्यादा हो गया, इसका मतलब ये अकाउंट अब इंस्टाग्राम पर अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे अकाउंट पर विजिट कर करके अपनी फॉलोअर्स लिस्ट में जाकर चेक करो और ऐसे फॉलोअर्स को अपने अकाउंट से हटा दो। इन फॉलोअर्स की वजह से आपकी रील्स वीडियो वायरल नहीं हो रहा है। जितने भी बॉट फॉलोअर्स हैं सबको रिमूव कर दो। इसके बाद आपके पास ओनली एक्टिव रियल फॉलोअर्स होंगे। अब आप अपनी रील्स वीडियो पोस्ट करोगे तो सबसे पहले आपके वीडियो आपके फॉलोअर्स के पास जाती है। अब अगर वो एक्टिव है, रियल है, तो आपकी वीडियो को एकदम वॉच करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। इसके बाद आपकी वीडियो जाती है एक्सप्लोर पेज में, प्लस फीड पेज में, प्लस रील्स पेज में, फिर आपकी रील्स वीडियो वायरल हो जाती है। तो आपकी रील्स वीडियो वायरल आपके फॉलोअर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास रियल फॉलोअर्स है तो आपकी रील्स वीडियो वायरल होगी आपके अकाउंट पर। अगर आपके अकाउंट पर फेक फॉलोअर्स है तो आपके अकाउंट पर रील्स वीडियो वायरल नहीं होगी। तो इस तरह से आप फेक फॉलोअर्स को रिमूव कर सकते हो। अदरवाइज और वेबसाइट वगैरह, एप्स वगैरह नहीं है, एकदम से आपके फेक फॉलोअर्स हटा देंगे, वो आपके रियल फॉलोअर्स भी हटा देते हैं। तो ऐसे आप फेक फॉलोअर्स को अपने अकाउंट से हटा के अपनी रील्स वीडियो को वायरल करवाना स्टार्ट कर दीजिए। आई होप ये वीडियो आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब ले, टेक केयर एंड बाय।